Hello everyone, this is Ashishan. In this video, we are going to study a new subject, that is cost accounting. देखिए cost accounting subject काफ़ी अच्छा subject है. And before we go in brief, first let's talk about the accounting. देखिए आपने accounting word बहुत अच्छे से पढ़ा है. In 11th standard आपने पढ़ा है, 12th standard पढ़ा है. देन इन फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है. सो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो अकाउंटिंग जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है. फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड द थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. देखिए मेरा मानना है कि जो अकाउंटिंग है, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन तीनों में से अगर कि कोई अगर जैसे मान लीजिए कोई अगर किसी फर्म में या कोई कंपनी में अगर कोई छोटा मोटा कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कोई अकाउंटेंट है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई करो कॉस्ट अकाउंटेंट एज एन अकाउंटेंट हुआ किसी बड़ी कंपनी में, तो उसका रोल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्रूशल है. बिकॉज मेनली जो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो जो डिफाइन करता है वो कौन करता है, दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग. ऐसा क्यों, अभी देखिए थोड़ी देर में देखते हैं हम. देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग का मेनली ऑब्जेक्टिव होता क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू रिकॉर्ड ऑल काइंड्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस एज पर देयर नेचर. यानी कि दैट मीन्स अगर मान लीजिए आप ही किसी भी फॉर्म या अगर किसी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट आप हो, तो आप क्या करोगे, आपके सामने बस एक डेटा दे दिया जाएगा और आपको सारे डेटा को आपको फीड करना है इन द सिस्टमेटिक प्रोसेस. सिस्टमेटिक प्रोसेस इन द सेंस जो भी डेटा आपके पास है, चाहे वो कोई इनकम हो या कोई एक्सपेंसिस हो, आपको उनके नेचर के अकॉर्डिंग आपको सारा डेटा फीड करना है. दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. जैसे देखिए चाहे आप कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए, चाहे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लीजिए, चाहे बैलेंस शीट बना लीजिए, तो आपको बेसिकली आपका डेटा तो आपके हाथ में ही है, ठीक है. आपको मान लीजिए कोई भी एक्सपेंस, जैसे मान लीजिए वेजेस आपका 5000 का अमाउंट है, आपको ये नहीं देखना होता कि वेजेस 5000 पे किया, वो तो ठीक है आपके पास एविडेंस है, लेकिन 5000 ही क्यों, ये आप सवाल नहीं कर सकते. आपको बस डेटा दिया जाएगा कि दैट वेजेस हैव बीन पेड टू दिस वर्कर और दिस लेबर, ठीक है. तो एंट्री क्या होती है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, आपको बस एंट्री करनी है एज एन फाइनेंशियल अकाउंटेंट, ठीक है. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेन जो ठीक होता है टू रिकॉर्ड ऑल काइंड्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस एज पर देयर नेचर. अब बात करते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग की. देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग के मेनली जो है दो ऑब्जेक्टिव होते हैं. फर्स्ट वन इज टू असर्टेन द कॉस्ट, प्लस टू रिड्यूस द कॉस्ट. देखिए चाहे कोई कंपनी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हो या कोई सेल कर रहा हो या कोई सर्विस प्रोवाइडर कोई भी कंपनी हो या फर्म हो, तो मेनली फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉस्ट अकाउंटेंट का, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू असर्टेन द कॉस्ट, एंड द सेकेंड वन इज टू रिड्यूस द कॉस्ट. देखिए मेनली एंड लास्टली तो ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई भी कंपनी है या कोई बिजनेस है उसके प्रोडक्ट की जो जो भी कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना. बट रिड्यूस करने से पहले उसकी कॉस्ट भी तो पता करनी पड़ेगी, ठीक है. तो पहले क्या करना पड़ेगा कॉस्ट अकाउंटेंट को, कि किसी भी प्रोडक्ट या कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो उसकी जितनी भी प्रोडक्ट की जो लागत है या सर्विस प्रोवाइड करने में जो भी खर्चा हो रहा है
उसको असर्टेन करना, ठीक है, उसके बाद उस कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करना, ठीक है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए मेरे हिसाब से अगर कोई कॉस्ट अकाउंटेंट कोई भी किसी बड़ी बड़ी कंपनी में है तो वो तो उसका अगर कोई काम है तो वो इनोवेटिव है, ये जॉब होती है इनोवेटिव होती है। ऐसा क्यों? देखिए अभी हमने देखा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो मेन डेटा जो है पहले से दे दिया जाता है, बस डेटा को फीड करना पड़ता है एज पर देयर नेचर एंड इन सिस्टमेटिक फॉर्मेट, दैट्स इट। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में तो है, जैसे मान लीजिए वेजेस पे किया, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, जैसे वेजेस पे किया तो क्या एंट्री होती है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट आपने पुट कर दिया 5000। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जॉब क्या होता है, बस आप डेटा को फीड करना, दैट्स इट। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, यही देखना पड़ता है कि वेजेस को जो पे कर रहा है 5000, क्या 5000 जो है वो सफिशेंट है, क्या इतना ही पे करें या इससे और कम हो सकती है। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि 5000 ही क्यों, ठीक है ना, क्योंकि देखिए हमें देखना पड़ेगा वर्कर की एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी, वर्कर जो है कितना एफिशिएंटली काम करता है, कितने टाइम में वो प्रोडक्ट बना के देता है, ठीक है, प्लस जो मटेरियल बना रहा है वो कितने क्वांटिटी बना रहा है। जैसे मान लीजिए कोई एक वर्कर है, वो एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में वो 10 घंटे लगाता है, लेकिन दूसरा वर्कर जो है वही काम करने में 8 घंटे लगाता है, ठीक है। तो हम किसको ज़्यादा वेज पे करें, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किस कॉस्ट अकाउंटिंग में देखा होता है कि जिसको भी जो भी पेमेंट की जा रही है उसको एग्जैक्ट कॉस्ट को असर्टेन करना, ठीक है। जैसा मान लीजिए आप कोई भी अगर प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उसके मान लीजिए ओवरऑल मान लीजिए एक दिन में मान लीजिए 1000 क्या कहते हैं क्विंटल्स में जो है कोई भी प्रोडक्ट जो बनकर तैयार हो रहा है, ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट की जॉब ये है कि पर, यानी कि जैसे मान लीजिए पर प्रोडक्ट उसकी कॉस्ट क्या होगी, दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट। देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट का लिखा है टू असर्टेन द कॉस्ट, दैट मींस ऑल ओवर जितने भी प्रोडक्ट बनकर तैयार हो रहे हैं पर कॉस्ट उसकी कितनी वैल्यू, यानी कितनी लागत उसके प्रोडक्शन में कितनी खर्चना खर्च आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पर प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। सेकेंड वन इज टू असर्टेन द कॉस्ट। यहाँ पर आके देखिए इस कॉस्ट अकाउंटेंट की जॉब जो है काफी ब्रॉड हो जाती है। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारा डेटा जो हिस्टोरिकल बेस होता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट का जॉब होता है उसका जो है डेटा वो पहले हिस्टोरिकल भी देता है, प्रेजेंट भी देता है, प्लस फ्यूचरिस्टिक भी जॉब होता है उसका। जैसे देखिए टू रिड्यूस द कॉस्ट, देखिए कॉस्ट को कौन रिड्यूस क्यों करेगा, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है ना, ऑब्वियसली और कोई रीजन तो है नहीं। तो अगर आप देखिए इनोवेटिव जॉब क्या होता है, जैसे मैंने हमारे बोला इनोवेटिव जॉब, देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जॉब जो है वो फ्यूचरिस्टिक होती है, दैट मीन्स उनको एनालाइज करना पड़ता है कि कोई प्रोडक्ट अगर वो सेल ऑफ कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उनकी जो भी कॉस्ट आ रही है उसको कैसे उनको जो है मिनिमाइज करना है ताकि उनकी जो प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज करके दे। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग जॉब जैसे मैंने बताया इनोवेटिव है। देखिए जैसे मान लीजिए देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी सैलरी मिलती होगी, ठीक है, वो उसकी जॉब की जो भी सैलरी मिलेगी वो काफ़ी मतलब बोल सकते हैं काफ़ी लाइक जो बोलते हैं लाइक काफ़ी कहते हैं प्रशंसनीय होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जैसे आपको कोई सैलरी मिलती है तो कब मिलती है, कभी कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा करके दे रहे हो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम ही है कि उनको जो फ़ायदा करके, फ़ायदा कब हो सकता है कि उसका काम क्या है, टू रिड्यूस द कॉस्ट, और जैसी कॉस्ट रिड्यूस होगी तो प्रॉफिट जो ऑब्वियसली मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। सो मेनली जो एक डिफरेंस आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो डेटा होता है वो हिस्टोरिकल बेस होता है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग जो भी है डेटा जो 3 टाइप का होता है, हिस्टोरिकल, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। नाउ कम टू द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू टेक ऑल द डिसीजंस एफिशिएंटली
अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग का जो काम होता है दैट इज टू रिड्यूस द कॉस्ट एज वेल एज टू प्रोवाइड डेटा टू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टू द मैनेजर। ठीक है, देखिए मैनेजर का क्यों अपॉइंट होता है, टू टेक ऑल द डिसीजंस। ठीक है, देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन क्या काम होता है, एक तो डिसीजन लेना प्लस जो भी डेटा कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और जैसे ही वो जो वो डिसीजन ले लेंगे उनको कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर ऑल द रिजल्ट्स। रिजल्ट इन द सेंस, जैसा मान लीजिए आप कहीं कोई किसी ट्रिप पे जा रहे हो। ठीक है, आपने पहले कॉस्ट असर्टिंग करी कि उस ट्रिप पे जो है कम से कम जो खर्चा होगा वो 5,000 आएगा कम से कम, और आपने मैक्स टू मैक्स लगाया कि इससे ज़्यादा तो आएगा ही नहीं। तो आप अपने पॉकेट में देखिए मैक्स टू मैक्स कितने अमाउंट रखेंगे, जैसे 7,000। अब आप ट्रिप पे गए, आपका मान लीजिए खर्चा कितना हो गया 9,000 का। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, टू डिफर दिस, इसमें डिफरेंस पता लगाना। इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दैट मीन्स बजट कॉस्टिंग, एंड दिस इज द एक्चुअल कॉस्टिंग, एक्चुअल जो भी खर्चा हुआ उसमें डिफरेंस। अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज लेस देन द एक्चुअल कॉस्ट देन इट इज कॉल्ड अनफेवरेबल डिसीजन, एंड व्हेन द एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट देन इट इज कॉल्ड फेवरेबल। ऑब्वियसली आपने मान लो खर्चा जो लगाया वो 9,000 था, आपने जब पता लगाया लेकिन खर्चा कितना हुआ सिर्फ 7,000, दैट मीन्स आपका जो डिसीजन था वो फेवरेबल था। ठीक है, बट अगर जो आपने खर्चा लगाया वो कम लगाया लेकिन हुआ ज़्यादा, दैट मीन्स अनफेवरेबल। तो यही है आपका, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अकाउंटिंग, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब चलिए जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, अब इसको हम थोड़ा और ब्रीफ में पढ़ते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे काम करता है। जैसे देखिए मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। फाइनली जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है, टू रिड्यूस द कॉस्ट। कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई एक किसी भी तरह का प्रोडक्ट है, उसकी जो कॉस्ट है मान लीजिए 1,000 रुपये है, और उसकी क्वांटिटी कितनी है सपोज 100 ग्राम। अब उसकी कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए उसने जो कॉस्ट अपनी रिड्यूस कर ली टू 800, बट मान लीजिए उसने साइड बाई साइड क्वान्टिटी भी कम कर दी, तो क्या इसको हम कॉस्ट रिडक्शन बोलेंगे? जी नहीं, इसको हम कॉस्ट रिडक्शन नहीं बोल सकते। तो फिर कॉस्ट रिडक्शन कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए अमाउंट इतना है बट अब हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन। और दूसरे टाइप का बोल सकते हैं, जैसे देखिए 900 की कॉस्टिंग है बट 100 ग्राम, तो इसको भी हम एक तरह की कॉस्ट रिडक्शन बोलेंगे। सो ये दोनों टाइप के को बोलते हैं हम कॉस्ट रिडक्शन। अब जैसे मान लीजिए एक और कंसेप्ट लेते हैं, जैसे देखिए आप सब जैसे पैकेट है, जैसे मान लीजिए कोई लेस का पैकेट है, आपने देखा होगा। ठीक है, लेस का पैकेट है, आपने देखा होगा उसमें एक छोटा सा एक बार बना होता है और उसमें लिखा होता है जैसे सपोज 20% एक्स्ट्रा। क्या हम इसको कॉस्ट रिडक्शन बोल सकते हैं? देखिए अगर वो ईमानदारी से बोलें कहें तो देखिए पैकेट में जो लेस होता है, अगर आप देखोगे कभी देखो तो पैकेट में क्वांटिटी जो है वो उतनी ही होती है, जो एक्स्ट्रा होता है वो तो सिर्फ उसमें हवा ही भरी होती है, वो तो कुछ होता ही नहीं है। पैकेट बड़ा करने से उसकी क्वांटिटी थोड़ा बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो उसकी हवा भर जाती है। तो बेसिकली दैट्स अ कॉल्ड ऑफ, अगर मैं बोलूँगा तो ये कॉस्ट रिडक्शन बोलते हैं, दैट्स अ कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, दैट्स अ कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। और देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा मान लीजिए कोई बिजनेस है उसमें जो है
कोई एक प्रोडक्ट की जो लागत है कॉस्ट कितनी है 10,000 है, ये क्या है कॉस्ट। अब ये पता लगाना है कि उसको अगर 20% अगर प्रॉफिट इसमें अर्न करना है तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए। इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी 12,000, क्योंकि उसको जब तक वो 2,000 का प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तब तक उसको जो है ये 12,000 तक सेलिंग प्राइस नहीं मिलेगा। अब जब कॉस्ट रिड्यूस की बात आती है तब कॉस्ट रिड्यूस की बात करिए, मान लीजिए कॉस्ट रिड्यूस हो गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस मान लीजिए यही कॉन्स्टेंट रहे तो फिर प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए वैसे तो कॉस्ट अकाउंटिंग की और भी तरह की जॉब होती है, जैसे मान लीजिए चाइना इस टाइम में जो है काफ़ी ये जो टेक्निक है वो अडॉप्ट करते हैं। जैसे आप बिलीव नहीं करोगे 10,000 की जो भी कॉस्ट होती है चाइना क्या करता है, वो उसको 9,000 में भी सेल करेगा तो भी वो इसमें प्रॉफिट जो वो कमा लेते हैं। कैसे, इसको जो कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू द डंपिंग। आप टैक्स में कंसेप्ट पढ़ोगे डंपिंग ड्यूटी, जहां पर जैसे माने चाइना जैसी कंट्री का करती है अपने कुछ जैसे वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे माने आप कोई घर का सामान है जो कबाड़ी में आप कबाड़ी को बेच देते हो, ऐसी चाइना क्या करते हैं अपने सारा जो कूड़ा कबाड़ा है वो दूसरी कंट्री में सेल ऑफ कर देता है, ठीक है, और उसको भी वो काफी हाई प्राइस पर बेच देता है जो कि कुछ वैल्यू नहीं है, मीन्स उसकी कोई वैल्यू है जो कौन सी वैल्यू है वो नेग्लिजिबल वैल्यू है, फिर भी वो उसको हाई प्राइस पर बेच देता है, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड डंपिंग मेथड। ऐसे और भी बहुत मेथड है। सो ये था आपका ओवरऑल दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग का कंसेप्ट। अब आगे और हम ब्रीफ में पढ़ते हैं। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग जब हम पढ़ते हैं तब उसको हम एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में उसको हम बनाते हैं कि हाउ टू असर्टेन द कॉस्ट। जैसे हमने पढ़ा कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है टू असर्टेन द कॉस्ट, तो कॉस्ट को असर्टेन कैसे करें। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का जॉब होता है कि सब कॉस्ट को चाहे वो किसी भी तरह की कॉस्ट हो उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना। और हम कॉस्ट कैसे बात करेंगे कि सब तरह के खर्चे, ठीक है। सो हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की। देखिए एक्सपेंसेस मेनली जो दो तरह के होते हैं, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कॉस्ट, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए डायरेक्ट कॉस्ट को आती है बेसिकली दोज व्हिच आर डायरेक्टली इंपैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं दैट व्हिच इंपैक्ट ऑफ व्हिच इंपैक्ट इनडायरेक्टली ओवरऑल ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। आई रिपीट, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में जैसे अभी पेन होगा, ठीक है, तो पेन को देखिए जो मेन जी कौन कौन से खर्चे जो जो कि डायरेक्टली जिसकी कॉस्ट में जो इफेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक, भाई पेन प्लास्टिक से बनाए, ठीक है, प्लस उसकी इंक रिफिल, ठीक है, तो जितने भी खर्चे होंगे जो आपके हाथ में जो भी मीन्स जिसकी वो कॉस्ट जो आपकी उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेगलिजिबल कॉस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंट वैल्यू, ठीक है। दैट मीन्स सिग्निफिकेंट इन द सेंस कि वो खर्चे जिसको अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी अगर उसको थोड़ा उसका मार्जिन ऊपर नीचे हो गया तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा किस पे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो कि ओवरऑल खर्चे तो उसमें ऐड होते हैं लेकिन वो डायरेक्ट उस पर इम्पैक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये होते हैं आपके इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए मैं लिख भी देता हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, दोज विच आर directly impact on the cost of product or services। And direct expense kya hote hain, indirectly impact on overall cost of product or services।
अब देखिए ये जो जितने भी दो टाइप के जो आपके एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, ये मिलने आगे जाके जो तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज मटेरियल, सेकेंड वन इज लेबर एंड थर्ड वन इज एक्सपेंसेस। तो बेसिकली जो एक्सपेंसेस है वो थ्री कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। देखिए मटेरियल कोई भी तरह के हो सकते हैं, जैसे लाइक एनी काइंड ऑफ कॉटन यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यार्न, ठीक है, या फिर प्लास्टिक फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेन, या फिर कह सकते हो कि वुड बल्ब फॉर द टू मेक टू कन्वर्ट इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स लाइक पेपर। सो ऐसे ही ये सब होते हैं मटेरियल। अच्छा मटेरियल जो है वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। मटेरियल इनडायरेक्ट कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्लांट कोई भी किसी भी तरह का रॉ मटेरियल जो है, अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, तो किसकी यूज़ होती है, यूज़ किस चीज़ का यूज़ होता है हमें, मशीनरी। मशीनरी में देखिए ग्रीस ऑयल भी जो है यूज़ होता है, ऑयल लुब्रिकेंट ऑयल यूज़ होता है, तो उसको हम जो है डायरेक्ट एक्सपेंस में डायरेक्ट मटेरियल में यूज़ नहीं कर सकते। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है बेसिकली, जो कि आप देख सकते हो कोई भी पेन है आपके हाथ में, जो जो आपका मटेरियल जो आपको दिख रहा है, जैसे प्लास्टिक है, रिफिल है, इंक है, दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। बट कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो कि बनाने में तो यूज़ होते हैं लेकिन वो सिग्निफिकेंटली कहीं दिख नहीं रहा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया लुब्रिकेंट ऑयल, जो कहाँ लगता है, प्लांट एंड मशीन में लगेगा, ठीक है, किसी डायरेक्ट प्रोडक्ट में लगता, ठीक है। तो ऐसे ही मटेरियल, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे किसी भी तरह का प्लास्टिक हो गया, ठीक है, ये मैं डायरेट मटेरियल का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ अभी, प्लास्टिक हो गया, या फिर वुड पल्प, या फिर कॉटन, ठीक है, ये हो गए डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया लुब्रिकेंट ऑयल, ठीक है। ऐसे ही लेबर आपके डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, यानी कि जितने भी लेबर हैं, जैसे मान लीजिए कोई अगर एक प्रोडक्ट बन रहा है, उसको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 50 लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो इनको बोलेंगे हम जो भी इनको वेजेस पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस एक्सपेंस, ठीक है। बट मान लीजिए अगर आपने इनके 50 लेबर के ऊपर एक और सुपरवाइजर जो है आपने खड़ा कर रखा है, आपने अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है, तो उसको जो भी आप सैलरी दोगे, ठीक है, तो उसको हम किस में मानेंगे, हम इनडायरेक्ट में। ये किस में आएंगे आपके, इनडायरेक्ट में। जैसे या फिर एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आप मान लीजिए आपने कोई गार्ड खड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको भी सैलरी या वेजेस पे कर रहे हो, ठीक है, तो उसको जो भी पेमेंट की जा रही है तो वो लेबर में काउंट होगी, लेकिन वो किस में काउंट होगी, इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो ऐसे ही लेबर भी जो डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं। ऐसे ही एक्सपेंसेस, अच्छा एक्सपेंसेस में क्या होता है, डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं, लेकिन जब हम डायरेक्ट बोलते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, लेकिन जब इनडायरेक्ट होते हैं तो उसको हम इनडायरेक्ट वर्ड नहीं यूज़ करते, कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड्स, यानी कि ऊपरी ऊपरी खर्चे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं कि हम कॉस्ट को असेटिंग करते हैं कैसे करते हैं। जैसे देखिए मैंने आपको बताया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग की जो जॉब होती है वो काफ़ी इनोवेटिव होती है, किसके लिए, कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए प्लस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो मेनली जॉब होती है वो कॉस्ट को असर्टेन प्लस कॉस्ट रिड्यूस होती है प्लस टू रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंसेस इन अ सिस्टमेटिक फॉर्मेट। तो अब हमें फॉर्मेट देखना है, तो ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग दैट इज कॉस्ट शीट। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बताऊंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो अपनी कॉस्ट शीट में कैसे अपने जितने भी एक्सपेंस है कैसे वो रिकॉर्ड करते हैं। तो मेनली इसमें देखिए तीन कॉलम होते हैं, फर्स्ट वन इज पर्टिकुलर्स, सेकंड वन इज इन डिटेल्स एंड द थर्ड वन इज अमाउंट।
देखिए अभी हमने वो जो ऊपर पढ़ा था एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमें बस उन्हीं को जो थोड़ा बाइफरकेट करके सारे जो जितने टर्म्स है वो यहाँ पे लिखनी है। जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट एक्सपेंसिस मान लीजिए तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। तो पहले हम सारे सारे जो है हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मटेरियल की। मटेरियल में देखो सबसे पहले कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो अब रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ा है। कैसे निकालते हैं, देखिए ओपनिंग स्टॉक, उसमें हम ऐड करते हैं परचेजेस, मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट को परचेज करने में कोई और खर्चा हो रहा है, दैट इज फ्रेट चार्जेस, तो वो भी हम ऐड करेंगे। और फिर लेस करेंगे हम एंड में क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अच्छा वैसे अगर देखा जाए तो हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते ही क्यों है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक ये वो स्टॉक होता है जो आपका प्रीवियस पीरियड में पहले से ही रॉ मटेरियल कच्चा माल आपके पास पड़ा हुआ है, अब उसको आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपका जो है ओपनिंग स्टॉक में आपका ऐड हो जाता है। मींस अगर आपने इस साल आपने जो है कोई रॉ मटेरियल परचेज नहीं किया, इस साल आपने कोई रॉ मटेरियल परचेज नहीं किया लेकिन प्रीवियस आपने परचेज करके रखा हुआ था गोडाउन में, आप उसको इस बार यूज कर रहे हो, तो आपका कहाँ पर वो ऐड हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक में। लेकिन कई बार कहते हैं कुछ स्टॉक रॉ मटेरियल होते हैं जो कि आप कहते हैं कि इसको हम नेक्स्ट पीरियड में यूज करेंगे, ठीक है, तो उसकी लागत आप इस पीरियड में तो काउंट नहीं करोगे, तो उस रॉ मटेरियल को आप निकाल देते हो। ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम ना तो वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा ना इसको हम इस पीरियड में सेल ऑफ कर रहे हैं, तो इसलिए हम उससे रिलेटेड जो भी खर्च होते हैं उसको भी हम बाहर निकाल देते हैं, इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को जो माइनस करते हैं। ठीक है, अच्छा आप इसको परचेस करने में जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी अगर कोई प्रोडक्ट लेके आए एक कंटेनर में लेके आए, ठीक है, अब आप कंटेनर तो आपका काम करनी है बिकॉज आपको तो सिर्फ रॉ मटेरियल से काम था। ठीक है, तो आपने मान लीजिए कंटेनर को बेच दिया, अब कंटेनर को बेच के कुछ पैसा तो आया होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सेल ऑफ वेस्ट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई रॉ मटेरियल परचेस करके लाए जिसकी खर्चा कितना हुआ 10,000, ट्रांसपोर्टेशन मान लीजिए 500 रुपये और खर्चे हो गए तो कितना हो गया 10,500। अब ये सारा गुड्स है एक कंटेनर में था, तो आपने रॉ मटेरियल तो बाहर निकाल लिया, आपने जो कंटेनर है मान लीजिए 100 रुपये में आपने उसको सेल कर दिया, तो आपको मेनली जो लागत है वो तो आपकी सिर्फ 10,400 लगेगी ना। ठीक है ना, सो मेनली आपको बस यही कॉस्ट जो है वो यहाँ पर लिखनी है। तो ये क्या आ जाता है आपका, इसके बाद आपके पास ये आ जाएगा आपके पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब देखिए हमें अभी मैंने आपको बताया डायरेक्ट एक्सपेंस देखिए तीन टाइप के होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल हो गया, अब क्या ऐड करेंगे हम इसमें, हम लेबर, लेबर कौन से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसको क्या बोलेंगे हम डायरेक्ट वेजेस। नेक्स्ट ऑल द काइंड ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बस अब आपके ये सारे जो हैं डेट एक्सपेंसेस यहाँ पर हो गए आपके, इनके अमाउंट हम यहाँ फिगर लिखेंगे इन डिटेल में और सबको ऐड करके फाइनल फिगर हम यहाँ लिखेंगे, और ये आ जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। सर प्राइम कॉस्ट क्या होता है, प्राइम कॉस्ट इज बेसिकली दी ऑल दी कॉस्ट, ऑल दी कॉस्ट इन विच इंकर्ड ऑल दी डेट एक्सपेंसेस। बेसिकली दी प्राइम कॉस्ट इज ए समेशन ऑफ दी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है,
चलिए तो अब हमारे डेट को सब हो गए, अब आगे जितने भी कोर्स खर्च होंगे वो डायरेक्ट नहीं होंगे, सारे आपके इनडायरेक्ट होंगे। अब अगेन आपको पता ही है कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, वो फर्दर किस में डिवाइड होता है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, अच्छा, बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी इतने जितने भी एक्सपेंस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने होते हैं वो मिल लीजिए तीन लेवल पे जो खर्च होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज एट फैक्ट्री, सेकेंड वन इज इन ऑफिसेस या एडमिनिस्ट्रेशन, एंड लास्ट वन इज इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा क्यों? जैसे देखिए, फैक्ट्री में सारा प्रोड्यूस बनकर तैयार होगा, रॉ मटेरियल जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, उसके बाद कुछ उसमें ऑफिस के खर्चे भी होंगे, उसके बाद जब प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा तो उसको बेचने पे खर्चे भी होंगे। ठीक है, तो इन सब के बन जाएंगे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम अब मेनली जो है किस पे आ रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट सेक्शन फर्स्ट लेवल क्या होगा आपका? फैक्ट्री कॉस्ट। तो देखिए अब हम क्या लिखें यहाँ पर, फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड क्यों सर? मैंने आपको बताया ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस को क्या बोलते हैं हम सेकंड टर्म में कॉस्ट अकाउंटिंग में, ओवरहेड्स। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स, दैट मींस ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड एट फैक्ट्री प्लेस, ऑल द काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड एट फैक्ट्री प्लेस। कोई भी, बहुत सारे देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री, तो बहुत तरह के होते हैं, जैसे देखिए फैक्ट्री रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, पावर एंड लुब्रिकेंट्स हो गए, ठीक है, या कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम हो गया, बहुत सारे कॉस्ट जो है वो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा लेस हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम सेल ऑफ स्क्रैप। अच्छा मेनली जो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं काफ़ी कि सेल ऑफ वेस्ट और सेल ऑफ स्क्रैप में सर डिफरेंस क्या है। देखिए स्क्रैप का वर्ड यूज करते हैं जब मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट बन रहा हो, उसको बनते बनते जो है कुछ स्क्रैप बाहर निकल रहा हो और उसको बेच रहे हैं, लेकिन वेस्ट क्या है यहाँ पर वेस्ट क्या है, एट ए टाइम ऑफ परचेज, यानी जब आपने प्रोडक्ट परचेज किया और कुछ फालतू जैसे कंटेनर आपने उसको सेल ऑफ कर दिया, तो उसको बोलते हैं सेल ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट वो प्रोडक्ट आपने खरीदा बट वो आपके लिए वेस्ट निकला, तो आपने उसको जो है एक नेगेटिव अमाउंट में उसको सेल ऑफ कर दिया एट द टाइम ऑफ परचेज, तो दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ वेस्ट। लेकिन स्क्रैप क्या होता है, व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द रॉ मेटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ठीक है, तो क्या होता है स्क्रैप बाहर निकलता है, तो उसको जो बेचते हैं वो आपका कहाँ आएगा, सेल ऑफ स्क्रैप। अच्छा ये कहाँ पर होता है आपका, फैक्ट्री पे, इसलिए इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स इसको लेस कर देते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज देखिए, जैसे देखिए हमने ऊपर पढ़ा स्टॉक, स्टॉक में देखिए ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो ऐसे फैक्ट्री में होगा। सर फैक्ट्री में कैसे, फैक्ट्री में देखिए प्रोडक्ट बनकर तैयार हो रहा है, तो क्या सारे प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएंगे? जी नहीं, जैसे आपने एक बार पढ़ा था दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, दैट मीन्स दे आर नॉट फिनिश्ड येट। ठीक है, तो मान लीजिए अगर प्रीवियस पीरियड का अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस प्रोडक्ट रखा होगा तो उसको एड बैक करेंगे, दैट इज ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। और मान लीजिए ऐसा प्रोडक्ट आपके पास रखा हुआ है जो कि अभी भी वर्किंग प्रोग्रेस है, अभी वो बनकर तैयार नहीं हुआ, लेकिन अभी आप इस पीरियड में उसको सेल ऑफ नहीं करना चाह रहे, तो वो नेक्स्ट पीरियड में काउंट होगा, तो हम लेस करेंगे यहाँ पर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। इसका अमाउंट यहाँ लिख देंगे, दैट्स इट। और यहाँ पर क्या रहेगा आपका, ये इन सबको ऐड करके ये आपके पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। और इसका दूसरा नाम है वर्क कॉस्ट। तो देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फर्स्ट लेवल हो गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज, अब कहाँ पर आएंगे हम, अब आएंगे हम ऑफिस पे। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जितने भी आपके ऑफिस एक्सपेंस होंगे वो ऐड करेंगे, कौन से, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, तो लिखेंगे ऑफिस ओवरहेड्स।
ऑफिस ओवरहेड देखिए कोई भी हो सकते हैं, ऑफिस रेंट हो गया, रेट, ऑफिस सैलरीज हो गई, रेमुनरेशन ऑफ मैनेजमेंट हो गया, ऑफिस लाइटिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हो गए, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस एसेट्स हो गए, ऑडिट फीस हो गई, लीगल चार्जेस हो गए, बैंक चार्जेस हो गए, या और कोई जनरल ऑफिस ऑफिस एक्सपेंस हो गए, वो सब किस में काउंट होंगे आपके ऑफिस ओवरहेड्स में। ठीक है, तो ये आगे आपके ऑफिस ओवरहेड, अभी इनका टोटल करेंगे। अब ये आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए जब कोई भी फैक्ट्री, यहाँ देखिए यहाँ पर वर्ड का लिखा मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन करने में जो भी खर्चे हो रहे होंगे वो अब टोटल जो अमाउंट जो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि अगर फर्दर अब जो भी एक्सपेंस हो गए ना वो अब जो है प्रोडक्शन के नहीं होंगे, क्योंकि प्रोडक्शन जितने भी खर्चे होने थे वो सब यहाँ लिख दिए। पहले हमने सारे डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिए, फिर उसके बाद हमने ऑफिस में जो भी खर्चे हो रहे हैं वो भी लिख दिए, उसके बाद ऑफिस एंड एडमिन जो भी खर्चे हो रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो सब हमने इंक्लूड कर दिए, यानी कि प्रोडक्शन तक जितने भी खर्चे होने तो हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है, अच्छा अब जब कोई भी रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है अब उसको करते हैं सेल करते हैं, लेकिन बिफोर सेलिंग हम उसको एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट इन द सेंस सर सेम जैसे हम ऊपर कहता ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे, यानी कि प्रीवियस पीरियड का अगर कोई फिनिश गुड्स होगा उसको ऐड करेंगे, इस साल हम उसको यूज़ कर लेंगे, प्लस अगर कोई इस साल का कोई भी अगर क्लोजिंग फिनिश गुड्स का उसको हम यूज़ अभी नहीं करना चाह रहे तो उसको हम निकाल देंगे, कि उसको हम बेच नहीं रहे, अभी फिनिश गुड्स तो रखा हुआ है लेकिन अभी आप उसको नहीं बेच रहे। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको अभी एक टैग लाइन के थ्रू सुनाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये है 2019, 2020, 2021। ठीक है, आपने इस पीरियड में जो भी रॉ मेटल बनाया, जो बनके फिनिश गुड्स तैयार हो गया, ठीक है, अब इस पीरियड में आप बनाओगे, लेकिन जब आप इस पीरियड में बनाओगे तब आप क्या करोगे, ये पहले अभी करोगे कि भी पहले ये बेचो। ठीक है, प्लस इस पीरियड में जितनी फिनिश गुड्स है वो आपके कुछ रिमेन रह गया तो आप नेक्स्ट पीरियड में बेचोगे, तो यहाँ पर जो भी खर्चा होगा जो आप यहाँ पर लेके जा रहे हो, ठीक है, उसका खर्चा आप यहाँ पर थोड़ा नहीं ऐड करोगे, वो तो बाद के पीरियड में खर्चे में ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है क्लोजिंग फिनिश गुड्स पर लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे और इसको हम माइनस करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए आपको ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, बिकॉज इसके बिना आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। बस अब ये प्रोडक्ट जो बेचने के लिए तैयार है, तो अब हम हमारे उसमें कौन से रहेगा खर्चा रहेगा, जब हम बेचेंगे तो उसको बेचने पे भी खर्चा आएगा, तो अब क्या लिखें यहाँ पर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। जैसे देखिए शोरूम वगैरह में काफ़ी खर्चे होते हैं, शोरूम का लाइट हो गया, रेंट हो गया, सेल्समैन सैलरीज होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, पैकिंग का हो गया, ट्रैवलिंग का हो गया, ठीक है, मार्केट रिसर्च होगी, डेवलपमेंट कॉस्ट होगी, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस हो गए, बैड डेट हो गए। ठीक है, तो इस तरह के बेचने पे जो भी खर्चे आएंगे जो कि इनडायरेक्ट वे हैं तो उसको क्या लिखेंगे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बस अब आपके सारे जितने भी खर्चे वो सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स। या फिर इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, बस अब हम इसमें अगर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या जाएगा सेल्स। दैट्स इट।
ये था आपके कॉस्टशीट जो कि एक सिस्टमेटिक फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। मीन्स तो देखिए पहले हमने क्या करा, सारे के सारे हमें जितने वाले डैट एक्सपेंस हमने ऐड किए स्टार्टिंग फ्रॉम द मटेरियल लेबर मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर उसके बाद हमने डैट लेबर दैट इज डैट वेजेस एंड डैट एक्सपेंस को ऐड किया। ठीक है, ये आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का क्या कॉस्ट का होता है, बेसिकली दिस इज द कॉस्ट और यू कैन से दिस इज द समेशन ऑफ ऑल डैट एक्सपेंसेस। देन वी कम टू द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके तीन लेवल होते हैं, एट फैक्ट्री, एट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे। तो फैक्ट्री में देखिए पहले क्या करेंगे, फैक्ट्री पर ऐड करेंगे, सेल उसका लेस कर देंगे, ओपनिंग हो तो उसको ऐड करेंगे, क्लोजिंग हो तो उसको माइनस कर देंगे, ऑफिस ओवरहेड सारे ऐड कर देंगे, क्या देगा आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स ओपनिंग होगा तो कर देंगे, क्लोजिंग हो तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा वैसे देखा जाए जो ये है ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस, ये ज़रूरी नहीं है आपके हर क्वेश्चन में ये चीज़ अवेलेबल हो, कभी नहीं भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ओपनिंग फिनिश गुड्स या क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो आपको फिर भी ये टर्म निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग तो चलो नहीं है लेकिन क्लोजिंग टर्म फिर भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज क्लोजिंग फिनिश गुड्स क्या होता है, बेसिकली मीन्स दिस आर दोज फिनिश गुड्स विच आर नॉट यूज फॉर द करंट पीरियड। ठीक है, then after that we will get cost of goods sold and then we will add all the selling and distribution expenses to get the total cost. Okay, so this is the way of preparing cost sheet. Now in the next video we will do practice question on this.